जहन दोस्तों, एक दिल को छूने वाली घटना, यानी 68 वर्ष के एक नेवी के ऑफिसर यानी सेना के एक अधिकारी जो अमेरिका में है, वो भारत आता है किस लिए कि हिसार के अंदर उसने किसी हलवाई से कभी उधार पेड़े और कुछ मिठाई खाई थी, 28 रुपए उधार रह गए थे। वो 28 रुपए देने के लिए अमेरिका से चलकर हिसार आए और जिससे मिठाई खाते थे उनके बेटे से मिले और 28 रुपए उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा कर्ज था, मैं सोचता था, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, फौज की व्यस्तताओं में दूर रहने के बाद हिसार नहीं आया, जब मैं रिटायर हुआ तो मैं अमेरिका चला गया, अब मैंने सोचा कि मैंने जीवन में पीछे जाके देखा कि क्या क्या गलती की है, मैं उन्हें शायद सुधार पाऊँ। जितनी कोशिश है उस कोशिश के तहत उनको ऐसा याद आया, यानी कहीं ना कहीं उन्हें आत्मग्लानी हुई कि वो 28 रुपए लेकर के अमेरिका से हिसार इंडिया आए और उन्होंने दुकान पर जाकर 28 रुपए पेड किए। उन्होंने देखा, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं एक और चीज़ थी कि जहाँ मैं स्कूल पढ़ा था वो स्कूल कैसा है, लेकिन जहाँ स्कूल जाते हैं तो स्कूल अब उस जगह पर है नहीं। उन्हें निराशा लगी, लेकिन कहते हैं कि फौजी का दिल ऐसा होता है, फौजी का डीएनए ऐसा होता है, एक साफ सुथरा होता है, साफ सुथरा मन होता है उसका, साफ सुथरा तन होता है, साफ सुथरा दिमाग होता है, किसी के साथ छल नहीं कर सकता। यदि वो छल करता है और इस तरह षड्यंत्र करता है, उसके अंदर दया नहीं है, तो वो शायद वो फौजी नहीं है। भले फौजी का काम होता है दुश्मन को मारना, सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी दयालु होता है, हमेशा उसके पास प्रेम रहता है, दया रहती है, चाहे मानवता के साथ तो जीते जीता है, चाहे अपने समाज में रहे, चाहे देश के लिए काम करे, चाहे बाहर भी किसी के साथ हमारा इंट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है, हम उसी मानव के साथ मिलते हैं। ये मानवता की मिसाल दिए एक सेना के अधिकारी ने। मैं करता हूँ सैल्यूट। थैंक यू दोस्त।